समस्तीपुर के मछली बाजार में अपराधियों ने दिन दहाड़े गोलीबारी की, जिसमें एक शख्स घायल हो गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक बाइक पर सवार होकर 6 अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। मोटरसाइकिल पर सवार थे, वो गए आगे में खड़ा होकर गोली फायर करना शुरू किए। लोग विरोध किया तो तीन आदमी, तीनों के हाथ में पिस्टल था, वो वहाँ से भाग निकला। काफी संख्या में गोली भी बरामद है, हाथ में हमारे हाथ में है पिस्टल के साथ में जो मैगजीन होता है वो भी उसका गिर गया। पूर्णिया के अब्दुल्ला नगर में दो गुटों में झड़प हो गई। जमीन को लेकर हुई झड़प में तीर से हमला किया गया, जिसमें 4 लोग जख्मी हो गए हैं। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। जमुई में अपराधियों ने एक शख्स को पुआल के ढेर में डालकर जिंदा जला दिया। घटना टाउन थाने के भछियार मोहल्ले की है। बताया जाता है कि पप्पू सिंह अपने घर से बाहर बधार में सो रहा था, तभी उसे जिंदा जला दिया गया। बक्सर के पुराने भोजपुर इलाके में पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में देशी शराब बरामद किया है। इस मामले में एक महिला आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि शराबबंदी के बावजूद कुछ लोग पुराने भोजपुर में शराब बेच रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने भूटानी यादव के घर पर छापा मारा और पूछताछ में पता चला है कि पति पत्नी दोनों मिलकर अवैध शराब का कारोबार कर रहे थे। सहरसा के सदर अस्पताल की एम्बुलेंस सेवा इन दिनों बदहाल है। एम्बुलेंस सेवाओं का हाल ये है कि बेड पर गद्दे नहीं है, साथ ही एम्बुलेंस की तमाम लाइटें भी नदारद है। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि इनका सारा सिस्टम चौपट है, इनकी सारी व्यवस्था चौपट है। आज एम्बुलेंस की स्थिति ऐसी हो गई है कि यहाँ से जो रेफर होता है दरभंगा पटना के लिए, वो बेमौत मारा जाता है। इलाज के अभाव में, एम्बुलेंस के अभाव में वो आदमी, वो रोगी दम तोड़ देता है। वहीं सिविल सर्जन ने 4 एम्बुलेंस की खराब होने की बात स्वीकार की है, साथ ही ये भी कहा है कि मरीजों की जरूरत के मुताबिक एम्बुलेंस का इंतजाम किया जाता है। प्रेजेंट अवस्था में यही 3 एम्बुलेंस सदर अस्पताल में है, पेरिफेरी का 4 एम्बुलेंस जो है उसके बारे में हम देखवा लेते हैं। जो एम्बुलेंस आप कह रहे हैं भारत सरकार की है, हो सकता है वो रिपेयर होने लायक नहीं हो, बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ता हो, उसको हम देखवा लेते हैं। मानते हैं ना कि मरीजों को दिक्कत हो रही है? मरीज को हर पल यहाँ एम्बुलेंस की सुविधा, अभी भी देखिए एम्बुलेंस से जो है सो मरीज को पटना भेजा गया है। पटना में अग्निशमन सेवा की तरफ से अग्नि सुरक्षा जन जागरूकता अभियान चलाया गया। इस मौके पर विभाग के कर्मचारियों ने पुलिस की वर्दी में मंदिर में भजन कीर्तन कर लोगों को जागरूक किया। पटना के भारतीय नृत्य कला मंदिर में स्टार नाइट लाइव शो के दौरान सनी लियोनी ने जलवा बिखेरा। दर्शकों ने भी डांस और गाने का जमकर लुत्फ उठाया। पटना के भारतीय नृत्य कला मंदिर में स्टार नाइट लाइव शो के दौरान मशहूर गायक मोहित चौहान ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। जामताड़ा में एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। यह हादसा दुमका नाला मेन रोड पंजनिया के पास हुआ, जब एक डंपर ने पिकअप वैन को जोरदार टक्कर मार दी। घटना के बाद नाराज लोगों ने हंगामा किया और कई घंटों तक रोड को जाम कर दिया। जाम का नेतृत्व नाला के विधायक रविंद्रनाथ महतो ने किया। विधायक ने मृतकों के परिजनों के लिए 10 लाख रुपए मुआवजा और नौकरी की मांग की। देवघर में अपराधियों ने बंदोबस्त पदाधिकारी जितेंद्र चौधरी को गोली मार दी। जितेंद्र को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना जसीडी थाने के डाबर ग्राम की है। जमुई के रहने वाले जितेंद्र लखीसराय में बंदोबस्त पदाधिकारी है। बताया जाता है कि वो डाबर ग्राम गायत्री शक्तिपीठ के पास अपना नया मकान बना रहे हैं और घर लौटते वक्त पहले से घात लगाए 3 अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। स्थानीय लोगों ने एक अपराधी को खदेड़ कर पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। जमशेदपुर में पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प के बाद गुस्साए पुलिस वालों ने जमकर लाठियां भांजी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ पत्रकारों को भी दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पुलिस के इस हमले में कई पत्रकारों को गंभीर चोटें आई, जिन्हें इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
ये झड़प तब शुरू हुआ जब पुलिस ने बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता निखार सब लोग को हिरासत में ले लिया। मंत्री सरयू राय के बीच बचाव के बाद निखार को थाने से ही जमानत दे दी गई, लेकिन घटना से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प शुरू हो गई। देखते ही देखते बड़ी संख्या में पुलिस जवान थाने पहुंच आए और लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस ने मीडिया कर्मियों पर भी अपना गुस्सा उतारा और दौड़ा दौड़ा कर पीटा और कई मीडिया कर्मियों के कैमरे तोड़ डाले। एसएसपी ने दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया है। वहीं मंत्री सरयू राय ने पुलिस कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। ये तो शर्मनाक है और ये बर्बरता की हद है। पत्रकारों ने तो अपना काम किया वहाँ जाकर, अगर किसी आदमी को बिना किसी आरोप के हाजत में बंद कर दिया है तो कोई फोटोग्राफर गया उनका फोटो लेने के लिए। इन लोगों ने जैसे पत्रकारों को लक्ष्य बना के टारगेट बना के कि जो भी पत्रकार है उसको पीटो कैमरा तोड़ो, ये लग रहा है। और कई लोगों को गंभीर चोट आई है, मैं तो देख रहा हूँ अस्पताल में हूँ, ये शर्मनाक है। देवघर में एक अनोखी शादी हुई। कहने को तो दुल्हन का सगा वहां कोई नहीं था, लेकिन शादी में ना तो मेहमानों की कमी थी और ना ही रिश्तेदारों की। 8 महीने पहले दिल्ली से भागकर देवघर आई सुनीता बिहार की रहने वाली है। समाज के कई लोग आगे बढ़कर सुनीता को सहारा देने आए। प्रशासनिक अधिकारी भी देवघर की इस अनूठी शादी में शामिल हुए। शादी से लड़के के परिवार वाले भी बेहद खुश हैं। गर्मी का असर पलामू के बेतला नेशनल पार्क पर भी देखा जा रहा है। जंगल के जानवर पानी की तलाश में शहरों की ओर रुख कर रहे हैं। बेतला जंगल में पानी का सुविधा हो जाए तो अभी जो घूम रहे हैं तो देख रहे हैं कि बहुत सा चेकडैम बन जाता, सैकड़ों चेकडैम बन जाता तो आज पानी रहता। 30 किलोमीटर के दायरे में फैले इस नेशनल पार्क में कई जानवरों का बसेरा है, लेकिन इन दिनों जंगल तमाम जलाशय सूख चुके हैं और जानवर प्यास के मारे आसपास के रिहायशी इलाके में प्रवेश कर रहे हैं। जंगल में इतना दिक्कत है कि सब बंदर खाली दिख रहे हैं और कोई हरिन थे, हाथी था, बाघ था, सब जानवर कोई खुद नहीं दिख रहे हैं और यहाँ पे कोई जानवर नहीं दिख रहे हैं। खाली पानी, बगैर पानी रहेगा तो सारे जानवर फिर वापस आ जाएंगे। कोडरमा को जिला बने 22 साल पूरे हो गए हैं। कोडरमा का 23वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जहां प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान से जुड़े कई लोगों को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही ऐसे कर्मचारी और आंगनबाड़ी सेविकाओं को भी सम्मानित किया गया। इस दौरान शिक्षा मंत्री नीरा यादव ने कहा कि 23 सालों बाद भी जिले में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, जिसे अब पूरा करने का समय आ गया है। जिस महापुरुष के बारे में स्कूल के किताब में पढ़नी हो उसे स्पॉट पर जाकर महसूस करना वाकई बेहतरीन अनुभव रहा होगा। बोकारो डीपीएस के छात्र छात्राओं ने गोमो रेलवे स्टेशन पर जाकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानकारी ली। इस दौरान क्लास भी स्टेशन पर ही लगी। टीचर ने छात्रों को नेताजी के बारे में बताया। छात्रों ने स्पॉट पर पढ़ाई को बेहतरीन बताया। ये बहुत ही एक नया अनुभव है। क्लासरूम में पढ़ना इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम स्टडिंग हियर और हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि हम बाहर में पढ़ रहे हैं, हमारे चारों तरफ एक नया एनवायरनमेंट है, नया एक्सपीरियंस है एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सच काइंड ऑफ क्लासेस मोर। स्टेशन पर ही टीचर ने छात्रों को नेताजी के बारे में बताया और फिर स्टैचू के पास जाकर बारीकियों को समझाया। जो हमारी लेगेसी है, जो जिससे हमारा इतिहास बना है, उसको उसी तरह उसी रूप में उसका परिचय कराना, क्लास के बाहर ले जाना और ये बताना कि क्लास सिर्फ चार दीवार के अंदर नहीं है बल्कि क्लास पूरा देश, पूरा विश्व, पूरी धरती है और हमें हर चीज़ को समझने की, सही संदर्भों में समझने की आवश्यकता है। रांची समेत कई जगहों पर प्राकृतिक पर्व सरहुल बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर पहाड़ पारंपरिक तरीके से पूजा अर्चना की। सरना समितियों ने जुलूस निकाला जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया।
प्रकृति पर्व सरहुल लातेहार में भी धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान सखुआ पेड़ की डालियों पर आदिवासी रीति रिवाज से पूजा की गई। पूजन स्थल से शहर के मुख्यालय में एक शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान पारंपरिक आदिवासी नृत्य किया गया। सरहुल के दौरान लातेहार जिला प्रशासन चौकस नजर आया। डीसी ने लोगों से प्रकृति की रक्षा के लिए एक एक पेड़ लगाने की अपील भी की। धनबाद पुलिस लाइन में भी सरहुल पर्व मनाया गया। इस मौके पर अधिकारी और जवान सभी मांदर की थाप पर जमकर थिरके। नए पौधा लगाकर